Good morning, students. Today we will see a basic introduction about the chemistry laboratory equipments. मतलब कि अपने जो practical perform करते हैं laboratory में, तो laboratory के अंदर कौन कौन से equipments होते हैं, glassware हो या जो day to day life में useful है, that means basic. कई लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नहीं पता होते हैं टीवाई केमिस्ट्री के बाद, इवन जो ट्वेल्थ में यूज़ करते हैं, देन ऑल्सो स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग कि FY, SY एंड TY में कौन से ग्लासवेयर आते हैं, ये ग्लासवेयर का पर्टिकुलर नाम क्या है एंड इसका यूज़ क्या है. ओके, सो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स देन यू शुड बी अवेयर कि कौन सा ग्लासवेयर यूज़ होता है केमिस्ट्री लेबोरेटरी में. सो लेट अस सी what are the equipments which are useful for practicals in chemistry laboratory. First of all is the beaker. Beaker is the main thing which comes whenever we do the practicals. Okay, so beaker hold solid or liquid. तो बीकर के अंदर अपने सॉलिड भी भर सकते हैं एंड लिक्विड भी भर सकते हैं. ओके, सो जब भी कोई एस्टिमेशन होता है, whenever you have to perform any estimation, organic estimation हो या inorganic estimation, तो जो sample होता है वो हमेशा beaker में दिया जाता है. okay, it has very poor accuracy. okay, so इसमें जो लिखा होता है beaker में के 50 ml, 100 ml, 150 ml या 250 ml, whatever, वो जो accuracy है वो एकदम perfect नहीं होता. तो beaker is not used to measure the volume. ओके, एस्टिमेट किया जाता है कि हाँ कि ये 250 के आसपास होगा. अपने ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर 250 ml का बीकर लिया है अपनोंने एंड उसके अंदर लिक्विड भर दिया है, देन वी कैन नॉट टेल एग्जैक्टली कि हाँ कि इसमें 250 ml ही है. इट गिव्स ओनली द एस्टिमेटेड वॉल्यूम, नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम. नोट द साइज कैपेसिटी. अपने को पहले बीकर का साइज कैपेसिटी देखना है कि बीकर कितने ml का है, दैट मीन्स इट इज़ 50 ml या 100 ml, 250 ml, 500 ml या 1 liter. ओके, देर आर मेनली फोर साइज ऑफ बीकर्स फॉर यू टू यूज़ इन योर डेस्क. तो मोस्टली अपने कौन कौन से बीकर्स डेस्क पे यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज योर 50 ml बीकर, सेकेंड 100 ml बीकर, थर्ड 250 ml बीकर एंड फोर्थ इज 500 ml बीकर. मोस्टली ये चारों ml के वॉल्यूम के बीकर्स अपने टेबल पे यूज़ करते हैं, जो डेस्क पे अपने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, देन वी आर यूजिंग दिस फोर टाइप्स ऑफ बीकर्स. नेक्स्ट कम्स अवर बीकर टॉंग्स. ओके, तो बीकर को जब गर्म किया जाता है, जब बीकर गर्म हो, देन उसको पैर ऑफ टंग्स से पकड़ा जाता है एंड इट इज नोन एज बीकर टंग्स. तो सी इन दिस बीकर टंग्स यू कैन सी के आगे वाला जो पोर्शन है वो रबर कोटिंग, उसका रबर कोटिंग हुआ हुआ है. बीकर टंग्स आर यूज टू मूव बीकर्स कंटेनिंग हॉट लिक्विड्स. बीकर के अंदर अगर हॉट लिक्विड हो, गर्म सब्सटेंस हो उसके अंदर, तो उसको मूव करने के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, बीकर टंग्स. बीकर टंग्स मीन्स इट इज़ अ पैर ऑफ टंग्स विथ इंसुलेटिंग कवर एट द स्टार्टिंग पॉइंट. देखो कि फिगर में देख सकते हो कि द रबर कोटिंग होता है उसके आगे वाले पोर्शन पे, जो बीकर को ग्रिप से पकड़ने के लिए उसका जो ग्रिप होता है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रबर कोटिंग. अब ये जो पैर ऑफ टंग्स है वो अपने फ्लेम्स के कांटेक्ट में नहीं ला सकते. व्हाई? बिकॉज ये जो है इसके आगे रबर कोटिंग है एंड फ्लेम के कांटेक्ट के आने के वजह से रबर जो है वो पिघल जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ टंग्स इज नॉट यूजफुल फॉर द बर्निंग, यानी कि बंसन बर्नर के पास वो नहीं लाया जाता. उसके लिए दूसरे टाइप का पैर ऑफ टंग्स है, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज योर बंसन बर्नर. तो आप जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हो बर्नर, उसका नाम क्या है, बंसन बर्नर. बंसन बर्नर्स आर यूज्ड फॉर हीटिंग नॉन वॉलेटाइल लिक्विड एंड सॉलिड. तो
बंसन बर्नर के क्या गर्म करने के लिए यूज़ होता है, जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड हो या नॉन वॉलेटाइल सॉलिड हो। नॉन वॉलेटाइल मीन्स जो जल्दी आग नहीं पकड़ता है, विच इज़ सपोज अल्कोहल जो है वो क्या करता है, अगर आपने उसको गर्म करे तो क्या होगा, उसका वेपर इवोपरेट हो जाएगा एंड वो वेपर इज़ ऑल्सो वॉलेटाइल, दैट मीन्स वो आग पकड़ सकता है। अल्कोहल के जो वेपर्स है वो भी आग पकड़ सकता है। सो वी आर नॉट हीटिंग अल्कोहल, ओके। तो अल्कोहल गर्म करना हो तो उसके लिए अलग मेथड है, लेकिन अपने जो नॉर्मली बंसन बर्नर यूज़ करते हैं उसमें वी आर नॉट यूजिंग वॉलेटाइल लिक्विड या सॉलिड, बिकॉज अगर वो वॉलेटाइल लिक्विड हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने की वजह से उसके वेपर्स प्रोड्यूस होंगे एंड जो वेपर प्रोड्यूस हो रहा है वो खुद वॉलेटाइल है, जिसके वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ जब भी आप बंसन बर्नर यूज़ करते हो तो क्या ध्यान रखना है, मेक श्योर द होस इज स्नग ऑन टू द गैस आउटलेट एंड दैट देर आर नो क्रैक्स इन द होस। तो जब भी वो जो रबर ट्यूबिंग है, जब भी आप बंसन बर्नर यूज़ करते हो तब ये ध्यान रखना है कि बंसन बर्नर पे जो रबर ट्यूबिंग है वो एकदम अच्छे से आउटलेट के साथ कनेक्टेड हो, एंड ये भी ध्यान रखना है कि जो रबर पाइप है, जो भी होस है, उस पर क्रैक्स भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस कम्स अंडर द लेबोरेटरी सेफ्टी टेक्निक्स। वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग इन द लेबोरेटरी यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो एज वेल एज अदर्स ऑल्सो। ओके, नाउ कम्स द बैलेंस। सेंट्रीग्राम बैलेंस मीन्स पहले इसमें वे किया जाता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक बैलेंस आ गया है, तो अपने डायरेक्टली इलेक्ट्रिक बैलेंस पे ही अभी वे कर लेते हैं। सेंट्रीग्राम बैलेंस अगर यूज़ करना हो देन कौन कौन से प्रिकॉशंस नोट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर द बैलेंस इज ज़ीरोड बिफोर बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग करने से पहले बैलेंस को ज़ीरो पे लाना है, वो ध्यान रखना है। ऑलवेज रिटर्न द राइडर्स टू ज़ीरो व्हेन यू फिनिश द मासिंग। अब राइडर्स जब आप वेट करते हो, नीचे पैन दिख रहा है, वो पैन में आप कुछ वे कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ऊपर के जो राइडर्स वो मूव होते हैं एंड जितना वेट होता है वहाँ पे आके रुक जाता है। ओके, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम वेट करते हो या सेकंड टाइम, देन आपको ये याद रखना है वो जो राइडर है जो आगे आ चुका है उसको अगेन आपको ज़ीरो पे ला देना है। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट यू शुड नोट वाइल यूजिंग सेंटीग्राम बैलेंस। लेकिन अभी क्या है कि मोस्टली इलेक्ट्रिक बैलेंसेस होते हैं, सो देर इज़ नो नीड, अपने डायरेक्टली वे कर लेते हैं, उस पर डिजिटल मीटर पे वेट लिखा आ जाता है, सो नो इश्यूज ऑफ दिस राइडर एंड ऑल दैट। ओके, अब एक और चीज़ याद रखना है, जब भी आप ये सेंटीग्राम बैलेंस या कोई भी बैलेंस यूज़ कर रहे हो, डायरेक्टली पैन के अंदर केमिकल्स नहीं रख देना है। ओके, सो पैन के अंदर डायरेक्टली केमिकल नहीं रखना है, उसके लिए एक दूसरा वे पोर्ट है, वो मैं अभी बाद में बता रहा हूँ कि किस में वेट करना है। बट नॉर्मली यू शुड नॉट पुट द केमिकल सब्सटेंसेस डायरेक्टली ऑन द पैन। ओके, तो केमिकल्स क्या है कि रिएक्ट करेगा पैन जो है जिससे बना हुआ है वो मटेरियल से, एंड डैमेज होने के चांसेस है एंड एक्यूरेसी इज ऑल्सो डिस्टर्ब। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ भी वे कर रहे हो देन डायरेक्टली कभी बैलेंस के पैन पे नहीं रखना है। नेक्स्ट इज द सिरामिक फाइबर स्क्वायर। सिरामिक फाइबर स्क्वायर मीन्स द एस्बेस्टोस शीट। सबने लेबोरेटरी में एस्बेस्टोस शीट देखा ही होगा। ये एस्बेस्टोस शीट स्मॉल टाइल्स के जैसे होता है, वाइट कलर का। इसका काम क्या है, इट इज़ यूज, इट ऑलवेज प्लेस अ हॉट ग्लासवेयर ऑन अ हीट रेसिस्टेंट मैट। अगर कोई सपोज एक बीकर को मैंने गर्म किया है, वो एकदम गर्म हो गया, एंड उसको मैंने बर्नर में से पैर ऑफ टंग्स के मदद से नीचे उतार दिया, लेकिन मैं वो डायरेक्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं प्लेटफॉर्म पे रखूँ तो वो बीकर फटने के चांसेस हैं। सो ऑलवेज वी हैव टू प्लेस द हॉट बीकर ऑन द एस्बेस्टोस शीट या सिरेमिक फाइबर स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर पे आप रखोगे तो बीकर के जो चांस फटने के चांसेस है वो एकदम कम हो जाएंगे। प्लेसिंग हॉट ग्लास ऑन अ कूल काउंटर कैन कॉज इट टू क्रैक।
तो जब भी आप बीकर डायरेक्टली गरम, जो गरम बीकर है जो जिसमें सॉल्यूशन बॉईल हो रहा है, वो अगर आप डायरेक्टली ये इस पे प्लेटफॉर्म पे रखोगे तब क्या होगा, प्लेटफॉर्म तो कोल्ड सरफेस है जिसके वजह से बीकर में क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जो इक्विपमेंट है, दिस इज द क्रूसिबल एंड कवर। तो क्रूसिबल एंड कवर ये जो है वो 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट ईयर तक नहीं आता, मोस्टली इट कम्स इन द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो क्रूसिबल एंड कवर इज कमिंग इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करके एक टॉपिक है, उसमें आपको क्रूसिबल एंड कवर यूज होता है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। अपने को पहले क्या करना है, दो सॉल्यूशन को मिक्स करना है, सपोज BaCl2 एंड H2SO4, BaSO4 एंड HCl। BaSO4 का सॉल्यूशन है एंड HCl का सॉल्यूशन है, तो दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, BaCl2 एंड H2SO4। तो ये जो BaCl2 बन रहा है, दिस BaCl2 इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स कितने बने हैं उसके अगर वो फाइंड आउट करना है, तब अपने को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करना होता है, वो अपने डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल समझ लो। व्हाट यू हैव टू डू, अगर फिल्टर पेपर पे प्रेसिपिटेट्स आ गया है तो मुझे ओनली प्रेसिपिटेट्स चाहिए, तो वो ओनली प्रेसिपिटेट्स मुझे लेना हो तो पहले फिल्टर पेपर को क्रूसिबल के अंदर रख देना है एंड उसको जलाना है, ताकि फिल्टर पेपर जो है वो जल जाए एंड बाकी जो रेसिड्यू, जो भी प्रेसिपिटेट्स है वो क्रूसिबल के अंदर रह जाए एंड वो प्रेसिपिटेट्स का मैं वेक कर सकूं। सो क्रूसिबल्स आर यूज फॉर हीटिंग सर्टेन सॉलिड्स, पर्टिकुलरली मेटल्स टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जब भी कोई सॉलिड को एकदम गर्म, एकदम हाई टेम्परेचर पे ले जाना हो, देन वी आर यूजिंग द क्रूसिबल। द कवर कैन बी यूज टू कंटेन एनी स्मोक पार्टिकल्स। तो अगर ये जो आप गर्म करते हो तब उसमें से स्मोक, धुआं निकल रहा है, या ये जो PPTs है वही उड़ रहा है, उसको रोकने के लिए उसके ऊपर लिड रखा जाता है, लेकिन मोस्टली वी आर डूइंग इट विदाउट लिड। नाउ कम्स द क्रूसिबल टोंग्स। पहले जो टोंग्स देखा वो था बीकर टोंग्स, अब क्रूसिबल टोंग्स मीन्स जो जिसकी मदद से क्रूसिबल को पकड़ा जाता है, फॉर हैंडलिंग हॉट क्रूसिबल्स, ऑल्सो यूज टू पिक अप अदर हॉट ऑब्जेक्ट्स। बीकर के अलावा जो दूसरे हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको पकड़ने के लिए भी अपने क्रूसिबल टोंग्स यूज करते हैं। तो ये इसमें क्या है कि रबर कोटिंग नहीं है आगे, एंड बीकर टोंग्स में रबर कोटिंग होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बीकर टोंग्स एंड क्रूसिबल टोंग्स। नाउ कम्स द अर्लिन मेयर फ्लास्क। तो व्हाट डू यू मीन बाय अर्लिन मेयर फ्लास्क। अर्लिन मेयर फ्लास्क इज द अनदर नेम ऑफ कॉनिकल फ्लास्क। तो कॉनिकल फ्लास्क आप जो लेबोरेटरी में यूज करते हो उसका दूसरा नाम है अर्लिन मेयर फ्लास्क। अर्लिन मेयर फ्लास्क मोस्टली अपने 250 ml का अर्लिन मेयर फ्लास्क कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं। नाउ अर्लिन मेयर फ्लास्क होल्ड सॉलिड और लिक्विड दैट मे रिलीज गैसेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन और दैट आर लाइकली टू स्पैटर इफ स्टर्ड और हीटेड। तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वो सॉलिड या वो लिक्विड रखा जाता है जो गैस प्रोड्यूस करता है। तो गैस रिएक्शन के दरमियान अगर कोई सब्सटेंस गैस प्रोड्यूस करता हो तो वो रिएक्शन हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में किया जाता है, या वो रिएक्शन जिसमें लिक्विड के बम्पिंग के चांसेस है, यानी बम्प होके वो लिक्विड बाहर निकल सकता हो, तब भी ऐसा कोई रिएक्शन जब चल रहा हो, देन वी आर यूजिंग द अर्लिन मेयर फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क। नेक्स्ट इज अवर इवापरेटिंग डिश। इवापरेटिंग डिश इज यूज फॉर हीटिंग स्टेबल सॉलिड कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स एज वेल एज फॉर इवापरेटिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस।
सब तो इवापोरेटिंग डिश जो है वो मेनली सपोज देखो व्हाट टू से ओके मेरे पास सॉल्ट है एंड वाटर है। सॉल्ट एंड वाटर को मैंने मिक्स कर लिया तो क्या हो गया, सॉल्ट पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया। अब मुझे ये जो सॉल्ट डिजॉल्व हो गया है पानी में उसको वापस लाना है, तो वॉट शुड आई डू, आई शुड डू द इवापोरेशन। इवापोरेशन जब मैं करूँगा तब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इवापोरेट हो जाएंगे एंड सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल है वो डिश में ही रह जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई हो, सपोज कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया हो एंड मुझे सॉल्यूट को सेपरेट करना है, ओके एग्जाम्पल इज सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर, अगर सैंड एंड वाटर, अगर मिट्टी एंड वाटर मिक्स हो गया हो एंड उसको सेपरेट करना, अगर सैंड को सेपरेट करना है तो वी कैन डू नॉर्मल फिल्ट्रेशन बिकॉज सैंड जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन सेम कंडीशन फॉर सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट एंड वाटर को अगर मिक्स कर दूँ एंड उसको फिल्टर करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सॉल्ट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो मुझे पानी एंड सॉल्ट को सेपरेट करना हो देन आई शुड डू द इवापोरेशन, इवापोरेशन इन द इवापोरेटिंग डिश। तो पहले मुझे क्या करना होगा, सो सॉल्ट सॉल्यूशन को इवापोरेटिंग डिश में लेना है एंड उसको गर्म करने रख देना है जब तक उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो उड़ ना जाए, ओके। तो जब वो वाटर कंटेंट निकल जाएगा देन यू विल सी द सॉल्ट, जो भी रेसिड्यू बाकी बचा है वो इवापोरेटिंग डिश के अंदर रह जाएगा। जब भी आप इवापोरेटिंग डिश यूज़ करते हो तब यू हैव टू टेक इन नोट इन माइंड के नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ करना है। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट क्यों यूज़ करना है, बिकॉज अगर आप वॉलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ करोगे तो वो सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे एंड वो वेपर अगर लैब में फैल जाएगा तो आग पकड़ने के चांसेस है। तो वेन एवर यू आर यूजिंग द इवापोरेटिंग डिश यू शुड नोट दैट यू आर यूजिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोरेंस फ्लास्क। ये जो फ्लोरेंस फ्लास्क है वो मोस्टली अपने नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, इट इज़ रेयरली यूज इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग केमिकल्स। ये जो फ्लास्क है वो मोस्टली केमिकल्स को मिक्स करने के लिए किया जाता है। अब इसका जो नेक है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा लॉन्ग है, जिसके वजह से अगर आप मिक्स करो तो सॉल्यूशन बाहर नहीं गिरेगा। सो मोस्टली दिस फ्लोरेंस फ्लास्क इज़ यूज फॉर मिक्सिंग अप ऑफ द टू सॉल्यूशन या मोर देन टू सॉल्यूशन। तो जब भी आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन के वेस्ट होने का या स्पिल होने का चांस नहीं रहता। नेक्स्ट इज द फॉर्सेप्स। फॉर्सेप्स मीन्स फॉर्सेप्स आर यूज टू होल्ड और पिक अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे कोई छोटा मॉलिक्यूल या क्रिस्टल लेना है देन मैं फॉर्सेप्स के मदद से मैं वो ले सकता हूँ। तो फॉर्सेप्स इज़ यूज फॉर होल्डिंग और पिकिंग अप ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द लेबोरेटरी, ओके। तो अगर सपोज यू कैन से कि अल्फा नेप्थॉल है, अल्फा नेप्थॉल का एक क्रिस्टल मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर्सेप लूँगा एंड उसमें फॉर्सेप से एक क्रिस्टल मैं पकड़ लूंगा, ओके। सो इट इज़ यूज टू पिक अप और होल्ड वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट कम्स योर फनल। अ फनल इज यूज टू एड इन द ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। फनल का मेन क्या काम क्या है, एक लिक्विड को एक वेसल में से दूसरे वेसल में ट्रांसफर करने के लिए फनल यूज़ किया जाता है ताकि वेस्टेज ना हो एंड इट विल ऑल्सो होल्ड फिल्टर पेपर वाइल फिल्टरिंग। अगर सॉल्यूशन को फिल्टर करना हो तब भी फनल यूज़ किया जाता है एंड फनल के ऊपर फिल्टर पेपर रखा जाता है। तो फिल्टर पेपर रखने के वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन फिल्टर हो जाएगा, ओके। तो सॉल्यूशन विल गेट फिल्टर्ड ईजीली। सो वॉट इज़ द यूज़ ऑफ फनल, फनल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। एक बीकर में से दूसरे बीकर में अगर मुझे कोई लिक्विड ट्रांसफ़र करना हो तब भी मैं फनल यूज़ कर सकता हूँ। या फनल इज़ ऑल्सो यूज फॉर
फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का कैसे करना होगा, फनल के ऊपर फिल्टर पेपर रख देना है एंड सॉल्यूशन को उसके अंदर से पास करना है, तो जो भी इम्प्योरिटी है या जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर पे आ जाएगा एंड जो भी लिक्विड पार्ट है वो नीचे बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर सिलेंडर या ग्रेजुएटेड सिलेंडर। नाउ ग्रेजुएटेड सिलेंडर इज़ यूज टू मोर एक्यूरेटली मेजर वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स, प्रोबेबली योर बेस्ट एवरीडे मेजरिंग टूल। ये जो सिलेंडर है मोस्टली सी बीकर जो है उसमें अपने वॉल्यूम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसके कंपैरिजन में वी आर यूजिंग दिस ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो मोस्टली अपने जो मेजर करते हैं फिजिकल में व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल देन यू आर यूजिंग दिस ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो अगर 10 ml लेना हो तो मुझे 10 ml का सिलेंडर लेना होगा। फॉर 50 ml आई हैव टू टेक 50 ml, देन कम्स द 100 ml, 1000 ml, डिपेंड्स। ओके, सो मोस्टली डेस्क में एट स्मॉल स्केल वी आर यूजिंग 10 ml, 50 ml एंड 100 ml सिलेंडर। अगर बल्क में मुझे बनाना हो कोई भी सॉल्यूशन देन वी आर यूजिंग द 1000 ml सिलेंडर। लेकिन स्टूडेंट्स को 10 ml, 50 ml एंड 100 ml सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड। देन कम्स योर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज़ यूज टू डिटरमाइन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तुम्हारा सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है वो किसके मदद से पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर जो है वो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रेड लिटमस पेपर अगर आपके सॉल्यूशन में डाले एंड ब्लू हो जाए या ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहे, ओके, तो रेड टर्न्स ब्लू एंड ब्लू रिमेन्स ब्लू, देन योर सॉल्यूशन इज बेस। सिमिलरली ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। सो इफ ब्लू टर्न्स रेड एंड रेड स्टेज रेड देन द सॉल्यूशन इज एसिड। ओके, नेक्स्ट इज योर पाश्चर पीपेट। पाश्चर पीपेट को यू कैन से कि ये एक ड्रॉपर है, इसका दूसरा नाम क्या है, ड्रॉपर। तो पाश्चर पीपेट इज यूज टू ट्रांसफर अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यूजुअली 1 drop एट अ टाइम। तो नॉर्मली आप जिसको ड्रॉपर बोलते हो उसका असली नाम क्या है, पाश्चर पीपेट। तो जब भी अगर एक सॉलिड टेस्ट ट्यूब में से मुझे एक ड्रॉप दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालना हो देन आई हैव टू यूज द ड्रॉपर और पाश्चर प्रीपेड। तो एक ड्रॉप मुझे ट्रांसफर करना हो 1 drop एट अ टाइम देन आई हैव टू यूज द पाश्चर प्रीपेड। ऑन द टॉप ऑफ ईच पीपेट इज अ रबर बल्ब। पीपेट के ऊपर एक रबर बल्ब होता है जिसको पिंच किया जाता है ताकि सॉल्यूशन उसके अंदर आ जाए एंड धीरे धीरे उसको रिलीज किया जाता है ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन पीपेट में से नीचे गिरे। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ये जो पीपेट है वो नॉर्मल पीपेट की तरह आप सक नहीं कर सकते, बिकॉज इसका लेंथ बहुत छोटा होता है। तो अगर आप सक करोगे देन द सॉल्यूशन विल गो इनसाइड योर माउथ। देन कम्स योर क्ले ट्राइंगल। सो ये जो क्ले ट्राइंगल है वो भी मोस्टली ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। तो ये क्ले ट्राइंगल के ऊपर क्रूसिबल रखा जाता है एंड क्रूसिबल को हीट किया जाता है। ओके, तो क्रूसिबल को डायरेक्टली आप बीकर बर्नर पे नहीं रख सकते हो। सो पहले क्या करना है, बर्नर के ऊपर रखना है ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर क्ले ट्राइंगल एंड क्ले ट्राइंगल के ऊपर क्रूसिबल और गर्म करना है। ओके, सो दिस क्ले ट्राइंगल इज़ यूज फॉर अ सपोर्ट ऑफ क्रूसिबल when heated over a lab burner। तो जब भी आप लेबोरेटरी में बर्नर पे क्रूसिबल को गर्म करते हो then you are using this clay triangle। it can also be used as a support of funnel while filtering।
जब आप फनल से फिल्टर करते हो देन ऑल्सो अगर फनल को कोई सपोर्ट देना है तो पहले क्या करना होगा, आपको नीचे बीकर रखना है, उसके ऊपर रखना है ट्रिपॉड स्टैंड पे रखना है क्ले ट्रायंगल एंड क्ले ट्रायंगल के ऊपर रखना है फनल के अंदर फिल्टर पेपर। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फनल के सपोर्ट के लिए भी क्ले ट्रायंगल यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली क्ले ट्रायंगल किसके लिए यूज़ होता है, इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस फॉर क्रूसिबल को सपोर्ट देने के लिए क्ले ट्रायंगल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्शन प्लेट आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू परफॉर्म अ स्मॉल स्केल रिएक्शन एट वन टाइम। तो अगर एक ही साथ मुझे कई सारे रिएक्शन परफॉर्म करने हैं तो मैं रिएक्शन प्लेट्स का यूज़ करूँगा। ओके, तो इसका ये समझ लो कि कई सारे टेस्ट ट्यूब एक साथ अपने पास अवेलेबल है, अगर बहुत सारे टेस्ट ट्यूब एक साथ जोड़ दो एंड सब में अलग अलग टेस्ट में एक साथ करो, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन प्लेट। देन कम्स योर रिंग स्टैंड। तो रिंग स्टैंड का मतलब क्या है, रिंग स्टैंड आर अ सेफ एंड कन्वीनियंट वे टू परफॉर्म रिएक्शन दैट रिक्वायर हीटिंग यूजिंग अ लैब बर्नर। तो रिंग स्टैंड तब यूज होता है जब कोई भी सब्सटेंस को गर्म करना हो लैब के बर्नर में। तो रिंग स्टैंड आपने सपोज ब्यूरेट स्टैंड देखा है, तो ब्यूरेट स्टैंड में जो नीचे वाला पोर्शन है एंड जो रॉड लाइक पोर्शन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रिंग स्टैंड। तो नीचे वाला जो सपोर्ट एंड वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दोनों अगर ओनली दैट आर प्रेजेंट देन इट इज नोन एज द रिंग स्टैंड। अगर रिंग स्टैंड बहुत ही गर्म हो तो उसको डायरेक्टली अपने को कैबिनेट के अंदर नहीं रख देना है, बिकॉज फायर आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रिंग स्टैंड के ऊपर अगर अलग अलग कंपोनेंट्स रखा जाए तो उसका यूज़ बदल जाएगा। ओके, तो रिंग स्टैंड आपने देख लिया, नीचे एक सपोर्ट है एंड उसके ऊपर है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अगर उसके ऊपर आयरन रिंग लगा दिया देन यू कैन इमेजिन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इमेजिन कर लिया, सो नीचे स्टैंड है, उसके ऊपर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है एंड वो रॉड पर रखा हुआ है आयरन रिंग। Iron rings are connected to a ring stand and provide stable elevated platform for a beaker to be heated. तो अब आप देख सकते हो कि रिंग स्टैंड के ऊपर अगर मैं ये आयरन रिंग रख दूँ देन बीकर को गर्म करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो बीकर को ये आयरन रिंग के अंदर रख दूँ तो बीकर एकदम अच्छे से इसके ऊपर फिट हो जाएगा एंड इट विल ऑल्सो होल्ड अ क्ले ट्राइंगल ड्यूरिंग फनल क्ले ट्राइंगल एंड फनल ड्यूरिंग फिल्टरिंग। तो फिल्ट्रेशन के टाइम पे भी क्ले ट्राइंगल सी ये आयरन रॉड के आयरन रिंग के ऊपर अगर मैं क्ले ट्राइंगल रख दूँ एंड क्ले ट्राइंगल के अंदर फनल भी रख दूँ देन ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑल्सो। तो अगर मैं रिंग स्टैंड एंड आयरन रिंग को कंबाइन करूँ देन इट इज़ यूजफुल फॉर हीटिंग ऑफ द बीकर ऑल्सो एज वेल एज फिल्ट्रेशन using funnel also। अगर iron ring के बदले में test tube clamp लगा लूँ, okay? So ये आपने देखा होगा mostly जो भी है अपना जो stand, ring stand, उसके ऊपर ये लगा होता है। Why? Because we are mostly using the ring stand for titration। तो titration करने के लिए क्या useful है, we have to make the burette stand। तो टेस्ट ट्यूब क्लैम्प्स आर यूज टू सिक्योर टेस्ट ट्यूब डिस्टिलेशन कॉलम्स एंड ब्यूरेट्स टू द रिंग स्टैंड। अगर मुझे ब्यूरेट रखना है या टेस्ट ट्यूब रखना है या डिस्टिलेशन कॉलम रखना हो तब मैं कौन सा क्लैम्प यूज़ करूँगा रिंग स्टैंड पे, आई विल यूज़ द टेस्ट ट्यूब क्लैम्प्स। तो ये जो एपरेटस है, ये जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग ने अच्छे से देखा होगा। वाई? बिकॉज यू आर मोस्टली यूजिंग दिस एंड आपने ये देखा भी होगा। ओके, नाउ डबल ब्यूरेट क्लैम्प्स। अगर मैं रिंग स्टैंड के ऊपर डबल ब्यूरेट क्लैम्प रखूँ देन आई विल हैव टू साइड। ओके, तो डबल ब्यूरेट क्लैम्प आर यूज टू सिक्योर ब्यूरेट्स और थर्मोमीटर्स टू द रिंग स्टैंड।
तो डबल ब्यूरेट क्लैम्प्स मीन्स ये जो है ये भी आपने देखा होगा, ब्यूरेट स्टैंड यहाँ पे आपने लैब में रखा हुआ है, तो एक टाइप का जो है वो दैट इज द टेस्ट ट्यूब क्लैंप, दूसरा जो टाइप का है दैट इज द डबल ब्यूरेट क्लैंप। तो डबल ब्यूरेट क्लैंप के अंदर क्या है कि आप उसको थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो एंड ब्यूरेट को या टेस्ट ट्यूब को या इवन थर्मोमीटर को भी उसके अंदर आप फिट कर सकते हो। टेस्ट ट्यूब क्लैंप्स में क्या है प्रॉब्लम कि आप उसमें थर्मोमीटर सेट नहीं कर सकते हो, बट बाय यूजिंग द डबल ब्यूरेट क्लैंप यू कैन ईजिली मेक अ स्टैंड फॉर टेस्ट ट्यूब्स ऑल्सो। नेक्स्ट apparatus विच वी आर यूजिंग इन laboratory मोस्टली इज वायर गॉज। तो वायर गॉज सिक्ड ऑन द आयरन रिंग टू प्रोवाइड अ प्लेस टू स्टैंड ऑन द बीकर। तो अगर बीकर को मुझे गर्म करना है आयरन रिंग पे, तो पहले क्या करना होगा, आयरन रिंग को रिंग स्टैंड पे अटैच करना है एंड आयरन रिंग के ऊपर मुझे वायर गॉज रखना है एंड वायर गॉज के ऊपर मुझे क्या रखना है बीकर एंड मुझे गर्म करना है। तो नॉर्मली अपने जो ट्रिपॉड स्टैंड यूज़ करते हैं, ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज पहले रखते हैं एंड उसके ऊपर बीकर रखते हैं एंड फिर उसको गर्म करते हैं। पहले जो वायर गॉज मिलता था उस पे जो वाइट मटेरियल लगा होता था वो पहले एस्बेस्टोस था, लेकिन अभी के जो वायर गॉज है उसमें अपने सिरामिक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट apparatus विच वी यूज इन द केमिकल laboratory इज spatula। तो spatula इज अ टाइप ऑफ स्पून। ओके, तो अगर मुझे कुछ सॉलिड केमिकल्स को ट्रांसफ़र करना है जो जिसको मैं डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ सकता हो, एनी केमिकल xyz, किसी को अपने को हाथ से अड़ना नहीं है, तो मुझे सपोज़ पिक्रिक एसिड चाहिए, पिक्रिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड वॉट एवर, तो सॉलिड फॉर्म में मुझे चाहिए, तो मैं अगर मुझे उस वो सैंपल लेना हो देन आई हैव टू यूज़ द स्पैचुला। तो स्पून टाइप स्ट्रक्चर जो है उसके मदद से मैं सॉलिड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। देन कम्स योर ग्लास रॉड या स्टरिंग रॉड। तो स्टरिंग रॉड या ग्लास रॉड किसके लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू मैन्युअली स्टिर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को स्टर करने के लिए वी आर यूजिंग द ग्लास रॉड। इट इज़ यूज टू असिस्ट पोरिंग लिक्विड। अगर लिक्विड को एक बीकर में से दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करना हो देन ऑल्सो अपने ग्लास रॉड अगर बीच में रखे तो स्पिलिंग के चांसेस, नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड लास्ट में जो ड्रॉप बचता है, अगर मुझे एक एक ड्रॉप चाहिए देन मैंने स्टर कर लिया एंड मैंने उसके ऊपर जो लगा हुआ है स्टरर के ऊपर जो सॉल्यूशन लगाया हुआ है वो भी मैं वापस ले सकता हूँ। नाउ रबर पोलिसमैन टिप इज़ यूज टू रिमूव द प्रेसिपिटेट्स। उसके ऊपर जो प्रेसिपिटेट्स आते हैं सॉल्यूशन के अंदर उसको निकालने के लिए ऊपर का जो रबर पुलिसमैन बोलते हैं उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मली अपने वो यूज़ नहीं करते। वी आर यूजिंग ओनली द ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से सॉल्यूशन को शेक किया जाता है एंड मिक्स किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब जो है अपने नॉर्मली दो टाइप के यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज़ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब एंड सेकंड इज़ द लार्ज टेस्ट ट्यूब। तो नॉर्मली जो अपने यूज़ करते हैं दैट इज़ द मीडियम टेस्ट ट्यूब 18x150 mm वाला। स्मॉल एंड लार्ज वी आर नॉट यूजिंग एज सच। मीडियम एंड लार्ज अपने थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, स्मॉल तो अपने बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो टेस्ट ट्यूब्स आर यूज टू मिक्स केमिकल्स एंड ऑल्सो टू हीट केमिकल्स। टेस्ट ट्यूब ओनली हिट टेस्ट ट्यूब्स दैट आर पायरेक्स और केमेक्स। तो वैन एवर यू आर यूजिंग योर टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब में कोई चीज़ को गर्म करना हो देन यू हैव टू यूज विच टेस्ट ट्यूब, बोरोसिलिकेट टेस्ट ट्यूब। ओके, तो टेस्ट ट्यूब किसके लिए यूज़ किया जाता है, केमिकल्स को मिक्स करने या गर्म करने, टेस्ट करने। ओके, टेस्ट ट्यूब ब्रश। नाउ टेस्ट ट्यूब ब्रश इज यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ योर टेस्ट ट्यूब एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स। फोर्सिंग अ लार्ज ब्रश इन टू अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब विल ऑफन ब्रेक द ट्यूब। डोंट वरी आफ्टर ड्राइंग द इनसाइड ऑफ
टेस्ट ट्यूब। ओके, तो टेस्ट ट्यूब ब्रश जो है वो टेस्ट ट्यूब को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेस्ट ट्यूब होल्डर, नाउ टेस्ट ट्यूब होल्डर जो है वो आपको, यू आर नोइंग व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो जब भी टेस्ट ट्यूब को गर्म करना हो तो डायरेक्टली हाथ में लेके टेस्ट ट्यूब को गर्म नहीं करना है। यू हैव टू यूज़ द टेस्ट ट्यूब होल्डर, यू हैव टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद द टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड देन यू हैव टू हीट योर सॉल्यूशन। अब टेस्ट ट्यूब स्टैंड या टेस्ट ट्यूब रैक में यू कैन सी, वो अगर जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट, तीन चार टेस्ट ट्यूब का रिजल्ट आपको देखना है, तो यू आर यूजिंग द टेस्ट ट्यूब स्टैंड ताकि आप हर एक टेस्ट ट्यूब को अच्छे से रख दो। देन कम्स द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। 100 डिग्री सेल्सियस के रेंज वाला थर्मोमीटर होता है, देन 300 400 डिपेंड्स। ओके, तो थर्मोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ मोस्टली यूज फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। थिन स्टेम पीपेट, तो थिन स्टेम पीपेट भी एक टाइप ऑफ ड्रॉपर है। तो ड्रॉपर इसके ऊपर भी एक ऊपर बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, जिसको पिंच करने से क्या होगा, सॉल्यूशन ये नीचे पाइप जैसा स्ट्रक्चर है उसके अंदर आ जाएगा। एंड यू कैन ट्रांसफ़र वन ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, एक ड्रॉप एक टाइम पे एक ड्रॉप अगर ट्रांसफ़र करना हो देन यू आर यूजिंग दिस थिन स्टेम पीपेट। सो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ ड्रॉपर। वॉच ग्लास, नाउ व्हाट इज वॉच ग्लास? वॉच ग्लास इज यूज टू होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड सच एज द प्रोडक्ट और अ रिएक्शन। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू कवर द इवेपोरेटिंग डिश और बीकर। वॉच ग्लास किसके काम आता है? अगर मुझे थोड़ा सा सॉलिड सैंपल चाहिए तो मैं वॉच ग्लास के अंदर वो भर के ला सकता हूँ। अदरवाइज़ जब भी मैं इवोपरेटिंग डिश में कुछ गर्म कर रहा हूँ या बीकर में कुछ गर्म कर रहा हूँ या उसको बंद करना है मुझे, देन आई कैन यूज़ द वॉच ग्लास। नाउ दिस इज़ द वे बोट। वे बोट का मतलब क्या है? वेन एवर यू आर यूजिंग द बैलेंस, जब भी आप बैलेंस यूज़ करते हो, तब मैंने बोला था कि केमिकल्स जो है वो डायरेक्टली बैलेंस पे नहीं रखना है। तो किस पे रखना है केमिकल्स? यू हैव टू यूज़ दिस वे बोट। ओके, वे बोट्स आर यूज टू वे सॉलिड दैट विल बी ट्रांसफर टू अनदर वेसल। नेवर पुट केमिकल्स डायरेक्टली ऑन द बैलेंस, इट लीव्स रेसिड्यू एंड हार्म द बैलेंस एंड कंटेमिनेट द केमिकल्स। तो जब भी आप बैलेंस का यूज़ करते हो तब एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी डायरेक्टली बैलेंस के पैन के ऊपर नहीं रखना है। यू हैव टू प्लेस द केमिकल्स ऑन द वे बोट। तो वेन एवर यू आर प्लेसिंग द केमिकल्स ऑन द वे बोट, वॉट विल हैपन? यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र द केमिकल्स टू योर बीकर। ओके, तो अगर आप डायरेक्टली बैलेंस पे केमिकल्स रखते हो तो क्या होगा, द बैलेंस विल गेट, इट विल हार्म द बैलेंस। तो बैलेंस बिगड़ सकता है एंड केमिकल्स जो है वो बैलेंस के पैन पे ऊपर चिपक जाएगा। एंड जब दूसरी बार आप वे करने जाओगे तो पहला जो रेसिड्यू है वो भी उस पर होगा एंड एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द सिंपल लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। ओके, ये सारी चीज़ जो है उसके नाम आपको पता होना चाहिए एंड उसका यूज़ भी पता होना चाहिए। ओके,